एक रोज रानू चिड़िया की बेटे गुड्डू तालाब में पानी पीने के लिए जाता है, तभी उसे एक प्लेट दिखाई देता है। वो देखकर बोलता है, अरे भाई यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट किसके है पता नहीं, मैं इस प्लेट को लेके जाती हूँ, इस प्लेट से हम लोग खाना खाएंगे। फिर गुड्डू जल्दी से उस प्लेट को उठा लेता है और उस प्लेट को लेके अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी मम्मी को बुला कर बोलता है, मम्मा मम्मा आप जल्दी से बाहर लगा के देखो मुझे क्या मिला है, मुझे ये प्लेट मिला है तालाब के पास। गुड्डू की सारी बात सुन के गुड्डू की मम्मा बोलते हैं, अरे बेटा ये किसका थाला है आपको पता भी नहीं, फिर भी आपने इसे उठा लेकर आ गए, इसे रख कर आ जाओ जल्दी से, इस प्लेट से हम क्या करेंगे। जैसे चिड़िया ऐसे बोलती है तो भी उसी प्लेट से कुछ हालचाल होती है और उन लोगों को बोलता है, मैं जादुई प्लेट हूँ, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मुझे दूसरों की सहायता करने के लिए व्यवहार करो। ये सुन के वो दोनों उस प्लेट को अपने घर में लेकर जाते और उसी से सामान मांगने लगते, वो खाना मंगाते दूसरों के लिए, वो कभी बनाना मंगाते कभी एप्पल मंगाते, ऐसा करते करते दोनों रात को सो जाते। अगले दिन सुबह दोनों मिलके जंगल के गरीब पक्षियों को बुलाते और उन लोगों को कभी कला देते और कभी एप्पल देके मदद करते। जब दोनों ये सब कर रहे थे तो भी वो सब कुछ एक लालची कौवा देख लेता है। वो दुष्ट कौवा उन लोगों के ऊपर नजर टिका कर बैठा था। वो दुष्ट कौवा रात होने की इंतजार करता रहा वहाँ पे। तभी जब रात हो गया था तभी कौवा उन लोगों की खिड़की से जाकर देखता है, अच्छा उन लोगों के घर पे जादुई थाला है, मैं एक काम करती हूँ, जब दोनों सो जाएंगे तो भी आके उसी ताला को चुरा लूंगी। रात को जब वो दोनों सो गए तो भी कालो कौवा चुपके से उन लोगों के घर के अंदर जाता है, उस प्लेट को देख के उसे उठा के जल्दी से अपने घर में लेके चला जाता है। और घर जाते ही कालो कौवा उसी थाला से कभी मंगाता है बनाना, कभी मंगाता है वो, कभी वो, ऐसा करते करते उसे लालच आ जाता है, ये जादुई थाला मुझे जल्दी से ढेर सारा सोना दो, ढेर सारा सोना चाहिए मुझे, सोना दो। वो दुष्ट कालो कौवा की इतना लालच देख के वो थाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने जादू की मदद से मार देता है और टूनी चिड़िया के घर में फिर से बोताला चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह, मम्मा आपको क्या पता है मैंने यहाँ पे प्लेट रखा था, जादू प्लेट कहाँ चला गया, मुझे तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। गुड्डू घर की चारों तरफ उस प्लेट को ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी वो प्लेट नहीं मिलता है। कुछ ही देर बाद चिड़िया जब बाहर जाती है तभी उसे वो प्लेट दिखाई देती है। तभी चिड़िया बोलती है, गुड्डू बाहर आकर देखो तुम्हारा जादुई प्लेट यहाँ पड़ा हुआ है। फिर चिड़िया वो प्लेट को लेके घर चला जाता है। तभी घर में जाके चिड़िया गुड्डू को बोलता है, गुड्डू बेटा आपने क्या कहा, रात को बाहर प्लेट को छोड़ दिया था, मुझे आप प्लेट बाहर मिला है। नहीं मम्मा मुझे पूरा याद है, मैंने उसे उस घोड़ा के पास रखा था लेकिन वो बाहर कैसे चला गया। जब वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तभी तो उसी प्लेट से फिर से जादुई रोशनी होता है और बाहर आती एक नन्ही सी परी और परी आके गुड्डू को बोलती है, सुनो गुड्डू इस प्लेट को कल रात को कालू कौवा चुरा लिया था, इसीलिए मैंने उसे उसकी सजा दे दी है। तुम एक काम कर सकते हो, इस प्लेट को फिर से उसी जगह पे छोड़ दो, क्योंकि इस प्लेट से दूसरों की लालच बढ़ जाता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती तुम भी किसी मुसीबत में पड़ो। इतना बल के पौड़ी फिर से उसी प्लेट में समा जाती है और गुड्डू उसी प्लेट को लेके वापस रख देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी दूसरों की चीज़ पे लालच नहीं करना चाहिए।